गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक वेरी शॉर्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड इट्स टाइटल इज टू फ्रेंड्स एंड द बियर। तो टाइटल से ही लग रहा है कि बहुत मज़ेदार स्टोरी होने वाली है। तो आपको क्या लग रहा है, होगी मज़ेदार? ऑफकोर्स होगी। जिस तरह से मेरी पहली वाली वीडियोज़ आपको बहुत पसंद आई हैं, उसी तरह से ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करें। साथ ही में मैं एक्सप्लेन करूंगी इसको हिंदी में भी, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आइए पढ़ते हैं इसको। वंस देयर लिव टू फ्रेंड्स इन अ विलेज, दे वर मोहन एंड सोहन। तो एक विलेज में दो फ्रेंड्स रहते थे और उनका क्या नाम था, जल्दी से बताइए। मोहन और सोहन। वाओ, वेरी गुड। एंड आफ्टर दैट स्टोरी रीड करते हैं। दे सेट आउट ऑन अ जर्नी, देयर वे ले थ्रू अ फॉरेस्ट। उन्होंने एक जर्नी प्लान करी, लेकिन उस जर्नी के लिए जिस रास्ते से होकर गुजरना था वो रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। दे प्रोमिस्ड टू हेल्प ईच अदर ऑन द वे, दे सॉ ए बियर। तो जर्नी स्टार्ट करने से पहले, यानी कि यात्रा शुरू करने से पहले, उन्होंने एक दूसरे को प्रोमिस किया कि वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ऑब्वियस है, सभी फ्रेंड्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना, आप भी करते हो? हाँ, वेरी गुड। और नहीं करते तो क्या करो, सभी को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो अब ये दोनों फ्रेंड, और कौन है फ्रेंड, मोहन एंड सोहन, जब जर्नी पे निकले तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि जर्नी के दौरान कोई प्रॉब्लम आएगी तो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ऑन द वे दे सॉ ए बियर, रास्ते में उनको क्या मिल गया, बियर, भालू। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्लियरली नहीं दिख रहा है तो ये रहा स्पेलिंग इसकी, बियर। ओके, क्योंकि यहाँ व्हाइट ना लगाया था तो कुछ पेट सा हो गया। बियर, ही वॉज कमिंग टुवर्ड्स देम। अब बियर क्या कर रहा है, वो उनकी तरफ आ रहा है, क्योंकि बियर को तो उनको खाना है। दे वर फ्राइटन्ड, वो बहुत घबरा गए। दे वर वेरी फ्राइटन्ड भी आप लिख सकते हो, मैंने लिखा है दे वर फ्राइटन्ड, वे घबरा गए। मोहन वॉज सेल्फिश, अब इन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त सेल्फिश था, और वो कौन था, जल्दी से बताइए, मोहन। यस, और सेल्फिश होना क्या होता है, बहुत बुरी बात। और सेल्फिश होने का मीनिंग क्या होता है, वो इंसान जो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचता है उसको कहते हैं सेल्फिश। गॉट इट, गुड। तो मोहन जो है वो सेल्फिश है, तो वो क्या करेगा कि बियर से कैसे बचा जाए, ये सिर्फ वो अपने बारे में सोचेगा, सोहन को भूल जाएगा। तो देखिए मोहन क्या करता है, ही क्लाइंब्ड अप ए ट्री, वो एक ट्री पे चढ़ गया। एंड ही डिड हिमसेल्फ देयर, और उसने अपने आप को वहाँ जो है सेव कर लिया इजीली। बट सोहन डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइंब ए ट्री, लेकिन सोहन को नहीं पता था कि पेड़ पर कैसे चढ़ा जाता है, और मोहन ने भी उसकी हेल्प नहीं की, ये सोचे बिना कि अगर सोहन नीचे रह गया सोहन को बियर खा जाएगा। मोहन फटाफट से इस ट्री पर चढ़ा और उसको पचड़ कर बैठ गया। He knew that a bear does not eat a dead body. लेकिन सोहन भी कोई कम नहीं था, वो जानता था कि एक डेड बॉडी को बियर कभी नहीं खाता। He lay down on the ground. He held his breath to look dead. तो उसने क्या करा कि वो ज़मीन पर लेट गया और उसने अपनी सांस रोक ली ताकि बियर को लगे कि वह मर चुका है। तो कैसी लग रही है स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी, अच्छी लग रही है ना? अब मैं कुछ सेकंड्स के लिए इसको रोक रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इजीली लिख पाएँ, लर्न कर पाएँ या फिर रीड कर पाएँ, ठीक है? चलिए इसे अब हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है द बियर, सॉरी मेरा फ़ोन हिल रहा है नाउ। द बियर केम देयर, बियर वहाँ पर आया, कहाँ पर आया, कौन बताएगा? यस, सोहन के पास गया। ही स्मेल्ड हिम ऑल ओवर, उसने उसको सूंघा, हर जगह से सूंघा। ही लुक हिम फॉर डेड, और उसे लगा कि यह मर चुका है। और उसको ये कैसे लगा कि वो मर चुका है, क्योंकि सोहन ने अपनी सांस रोक ली थी। सोहन इंटेलिजेंट था, उसको पता था मैं पेड़ पे तो नहीं चढ़ सकता, तो क्यों ना कोई ऐसा तरीका आजमाया जाए कि नीचे रहा जाए और बियर से भी बचा जाए। तो इंटेलिजेंसी हमेशा काम आती है। उसने अपनी सांस रोकी, वो लेट गया, और बियर को क्या लगा कि वो डेड है। ही वेंट अवे, कौन चला गया, बियर।
बियर चला गया। मोहन केम डाउन, मोहन नीचे उतरा। कहाँ से नीचे उतरा, कौन बताएगा? यस, ट्री से, क्योंकि वो ट्री पे चढ़ गया था डरकर। ही सेड टू सोहन, उसने सोहन को कहा, व्हाट डिड द बियर से इन योर ईयर, कि बियर ने आपके ईयर में क्या कहा। क्योंकि जब बियर सोहन को स्मेल कर रहा था तो मोहन को लगा कि वो उसके ईयर में कुछ कह रहा है, तो सोहन ने इसका रिप्लाई क्या दिया, आइए देखते हैं। सोहन सेड द बियर एडवाइस में टू बी बियर ऑफ सेल्फिश फ्रेंड्स। तो सोहन ने बड़ी समझदारी से इसका रिप्लाई दिया, उसने कहा कि बियर ने मुझे कहा है कि सेल्फिश फ्रेंड से बच के रहो, यानी कि ऐसे फ्रेंड्स कभी मत बनाओ जो ज़रूरत के वक्त आपका साथ छोड़ दें। किसी ने कहा है कि बेवकूफ़ मित्र से अच्छा है अकलमंद दुश्मन का होना, या फिर सेल्फिश फ्रेंड्स तो कभी मत बनाओ, तो अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, गुड फ्रेंड्स बनाओ जो कि हेल्प करें। तो आइए देखते हैं इसका मोरल क्या है। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, ये तो सभी को पता है, तो आइए इसको एक बार और रीड करते हैं। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? डैम श्योर आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि पिछली स्टोरीज भी आपको बहुत अच्छी लगी हैं। तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। सब लोग कहते हैं कि मैम आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए, आपकी वीडियो पे व्यू नहीं आते। व्यू आते हैं, लेट आते हैं, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो पढ़कर भूल जाते हैं कि लाइक शेयर कमेंट करना है। तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और इसके बाद पढ़ते हैं मैं इस स्टोरी को एक बार और। ओके, अरे मुझे भी मोटिवेशन चाहिए स्टूडेंट्स, आप छोटे छोटे स्टूडेंट्स की तरफ से मोटिवेशन, अगर आप लाइक शेयर कमेंट करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं और वीडियोज़ बनाती हूँ। आइए इसको दोबारा रीड करें, और इस बार मैं हिंदी में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ओनली रीडिंग इन इंग्लिश। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट टू रीड दिस अगेन इन इंग्लिश ओनली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। टू फ्रेंड्स एंड द बियर। वंस देयर लिव्ड two friends in a village. They were Mohan and Sohan. They set out on a journey. Their way lay through a forest. They promised to help each other. On the way, they saw a bear. He was coming towards them. They were frightened. Mohan was selfish. He climbed up a tree. He did himself there. But Sohan did not know how to climb a tree. He knew that a bear does not eat a dead body. He lay down on the ground. He held his breath to look dead. The bear came there. He smelled him all over. He looked him for dead. He went away. Mohan came down. He said to Sohan, "What did the bear say in your ear?" Sohan said, "The bear advised me to beware of selfish friends." Wow. So moral of the story is, a friend in need is a friend indeed. So कैसी लगी आपको ये story? Like, share, comment करना बिल्कुल मत भूलना। 1 लाख subscribers मेरे होने वाले हैं। सभी subscribers को thank you so much मुझे support करने के लिए। लेकिन मेरी latest videos पे views नहीं आते हैं, तो everyone ask me कि क्यों नहीं आते हैं, तो मेरे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं लाइक शेयर कमेंट करना। मैंने अपना काम कर दिया, एक वीडियो बनाई, आपको हिंदी में इंग्लिश में एक्सप्लेन किया, रीड किया एंड ऑल दैट। अब आपका होमवर्क है कि आप इसको लाइक शेयर कमेंट करें, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इनको देखें और चैनल ग्रो अप हो, एंड एजुकेशन चैनल को भी हक है ग्रो होने का। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टोरी नहीं लाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगी एक पैराग्राफ जिसका टाइटल होगा गुड हेल्थ। और गुड हेल्थ पे किस किस को वो पैराग्राफ जल्दी से जल्दी चाहिए,
प्लीज़ मुझे लाइक शेयर प्लीज़ मुझे इसके कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि गुड हेल्थ पे पैराग्राफ किसको जल्दी से जल्दी चाहिए, ताकि मुझे भी पता लगे कि किसको जल्दी से जल्दी चाहिए और मुझे कितने जल्दी वो वीडियो अपलोड करनी है। तब तक के लिए ज़्यादा चिट चैट नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर किड्स, बाय।